सात राज्यों में उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें 13 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जो है हो रही है। हिमाचल प्रदेश तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, तो उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बड़ी खबर आ रही है जलंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में चारों सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। तो सात राज्यों में उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है जो महत्वपूर्ण जानकारी। जलंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चारों सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। तो सात राज्यों में उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, बता दें 13 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग हो रही है। हिमाचल प्रदेश तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे है, उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जलंधर पश्चिम सीट पर आप उम्मीदवार आगे हैं, और पश्चिम बंगाल में चारों सीटों पर जो जानकारी आ रही है टीएमसी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सात राज्य 13 सीटें, और आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जो है वो चल रही है। उपचुनाव हुए थे सात राज्यों की 13 सीटों पर, जलंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चारों सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है, महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जलंधर पश्चिम में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश तीनों सीटों पर, हिमाचल प्रदेश आपको बता दें जो जानकारी आ रही है, उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जलंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चारों सीटों पर टीएमसी आगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सात राज्यों में उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, तो 13 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जो है वो हो रही है। हिमाचल प्रदेश में दो सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, ये फिलहाल जानकारी। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। जलंधर की बात करें, पश्चिम सीट, जलंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चारों सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। तो सात राज्यों में उपचुनाव हुए थे, सात राज्यों की 13 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच ये काउंटिंग जो है वो जारी है। हिमाचल प्रदेश में दो सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस का जो अभी आगे चल रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी फिलहाल आगे चल रही है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 13 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जो है वो फिलहाल जारी है, तो जानकारी आ रही है। तो सात राज्य 13 सीटें जिन पर उपचुनाव हुआ, और आज काउंटिंग जो है कड़ी सुरक्षा के बीच की जा रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सात राज्यों में उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, 13 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जारी है। हिमाचल प्रदेश में दो सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। जलंधर की बात की, जलंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, फिलहाल हिमाचल में क्या कुछ चल रहा है, अभी वहां पर काउंटिंग यहां पे चल रही है, कौन किससे आगे चल रहा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में तीन सीटें हैं और भाजपा कांग्रेस के अंदर ही आमने सामने की लड़ाई जो है वो देखी जा रही है। कांटे की टक्कर हमीरपुर सीट को लेकर जो है वो देखी जा रही है। वहाँ आशीष शर्मा जो है, जो पहले इंडिपेंडेंट विधायक थे, अब उनको भाजपा की तरफ से टिकट मिला है और वो चुनावी मैदान में, उनके बिल्कुल विपरीत अगर देखें तो कांग्रेस की तरफ से पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट मिला है कांग्रेस से, और वो चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में वहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा, और क्योंकि आठ राउंड जो है वो होने हैं, आठ ही राउंड जो है वो नालागढ़ सीट पर होने हैं, और इसके अलावा
10 राउंड जो हैं वो देहरा सीट पर होने हैं। तो पूरे का पूरा अगर हम देखें तो अभी इस समय 4-4 राउंड जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, जिसमें नालागढ़ है और हमीरपुर सीट है। खास तौर पर इस समय हॉट सीट बनी हुई है देहरा, और देहरा पर सबकी नजरें टिकी हुई है। देहरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जो है वो चुनावी मैदान में है, और उनके बिल्कुल सामने भाजपा की तरफ से होशियार सिंह है। और ऐसे में 8 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, और उसमें ये देखा जा रहा है कि 6100 जो वोट हैं उनसे आगे जो है वो कमलेश ठाकुर को यहां पर देखा जा रहा है। वहीं अगर हम इस समय क्योंकि 8 राउंड पूरे हो चुके हैं, मुझे लगता है अगले आधे घंटे के अंदर या ज्यादा से ज्यादा अगले 40 से 45 मिनट के अंदर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, पूरी तरह से परिणाम जो है वो यहां पर घोषित हो जाएंगे। और अभी तक के आंकड़े जो कह रहे हैं उसमें ये बिल्कुल साफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी है कमलेश ठाकुर, उनकी जीत संभवतः तय मानी जा रही है वो इस समय तक। 2 राउंड बाकी हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा आंकड़ा जो है वो इसमें आगे जाएगा। इसके अलावा अगर हम नालागढ़ उपचुनाव की अगर बात करें, विधानसभा उपचुनाव की बात करें, तो वहां पर भी टक्कर जो है वो देखी जा रही है। 3078 वोट से जो है वो कांग्रेस को बढ़त वहां पर दिखाई दे रही है, और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी उन्होंने भी बहुत मेहनत वहां पर की है, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी बहुत मेहनत की है, और दोनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं उन्होंने खूब पसीना जो है यहां पर बहाया है। लेकिन फिलहाल अभी 3078 वोट से आगे जो है वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं बाबा हरदीप सिंह, उनको वहां पर बढ़त मिल रही है, और केएल ठाकुर जो है वो फिलहाल अभी पीछे चल रहे हैं। 4-4 राउंड जो है नालागढ़ और हमीरपुर सीट पर हो चुके हैं। तो ऐसे में फिलहाल पूरे 3 की 3 सीटों को अगर हम देखें अंजलि, तो तीनों सीटों में से 2 सीटों, जिसमें देहरा की अगर बात करें या फिर बात करें आपका नालागढ़ की, तो ये 2 सीटों पर जो है फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस के प्रत्याशियों को बढ़त यहां पर मिली हुई है। क्योंकि देहरा तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर में चुनाव जो है वो बिल्कुल साफ वहां पर परिणाम हो जाएगा, लेकिन कुछ समय जो है वो नालागढ़ के लिए लग सकता है, और उसके साथ ही हमीरपुर सीट के लिए थोड़ा वक्त जो है वो अभी लग सकता है, क्योंकि 4-4 राउंड जो है वो अभी इन पर हुए हैं, 8-8 राउंड टोटल यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर होने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की जीत जो है वो देखी जा रही है 2 सीटों पर। फिलहाल अभी देखना होगा क्योंकि रिजल्ट अभी आना बाकी है। 4 जो हम बता रहे हैं आपको कि नालागढ़ सीट पर अभी 4 राउंड जो है वो हुए हैं, जिनका परिणाम ये है कि अभी फिलहाल 3078 सीटें हैं, 4 राउंड अभी होने बाकी हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पर आने वाले समय में भी, यानी कि अगले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर भी वहां पर कांग्रेस को ही जीत मिलेगी, क्योंकि ये ईवीएम काउंटिंग जो है वो इस समय चल रही है, और टेबल जो है वो अलग अलग टेबल्स पे काउंटिंग हो रही है, तो तस्वीर जो है वो बदलती रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी बढ़त जो है वो कांग्रेस को 2 सीटों पर है। 1 सीट पर जो है कांटे की टक्कर है, वहां बीजेपी के जो आशीष शर्मा है उनको 67 वोट जो है वो वहां पर अभी तक वो आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है और जो रोचक है वो रहने वाला है कि इन तीनों सीटों पर उपचुनाव के बाद के जो रिजल्ट आएंगे, उसके बाद प्रदेश का समीकरण, राजनीतिक समीकरण क्या क्या बनता है, क्या कुछ बिगड़ता है, ये देखना होगा। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इन 3 उपचुनाव का बहुत ज्यादा असर जो है सियासी संकट जो पिछले समय में हम हालात हिमाचल प्रदेश में देख रहे थे, वैसा कुछ बहुत ज्यादा फर्क जो है वो यहाँ पर नहीं पड़ता था। देखिए 65 का हाउस है इस समय, क्योंकि 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर हैं, जिनमें से 3 सीटों पर अभी उपचुनाव हो रहा है, और इससे पहले कि अगर हाउस की हम बात करें तो ये 65 सीटों का ये हाउस इस समय है, और इसमें 38 सीटों पर जो है वो अब इस समय कांग्रेस काबिज है, और वहीं भाजपा की अगर बात करें तो 27 सीटें भाजपा के पास है। तो जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बहुत दूरी जो है वो अभी भाजपा की खेमे में जो है वो दिखाई दे रही है, भाजपा को पार्टी को जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और वहीं कांग्रेस जो है उसके पास पूर्ण बहुमत है और 38 सीटें हैं। अगर ये उपचुनाव जीतते हैं और इस उपचुनाव में 2 या 3 सीटें जो है वो यहाँ पर कांग्रेस को मिलती हैं, तो 40 का आंकड़ा जो कि पहले था, 27 फरवरी से पहले जो हम ये घटनाक्रम देख रहे थे उससे पहले जो हिमाचल प्रदेश में था 2017 के चुनाव के बाद से जो आंकड़ा हम देख रहे थे वो था 25 भाजपा के पास था और 40 जो है वो कांग्रेस के पास था। तो फिलहाल अभी 40 तो कांग्रेस नहीं पहुंची है, लेकिन इस उपचुनाव में उम्मीद कांग्रेस को जरूर है कि आंकड़ा 41 होगा। दावे यही किए जा रहे थे कि 1 सीट के साथ बढ़त जो है वो यहां पर मिलेगी। सियासी घटनाक्रम के बीच में देखें तो
भाजपा अपने 25 का जो आंकड़ा पहले 2017 के चुनाव में था वो जरूर उनका बढ़ गया है, क्योंकि पिछले अभी 6 उपचुनाव हुए थे, 6 उपचुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस जो है वो काबिज हुई है दोबारा से, और उसके बाद 2 सीटों पर जो है वो भाजपा को यहाँ पर मिली है। तो लिहाजा भाजपा को बल जरूर यहाँ पर मिला है। 7 का सवाल एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री का है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है और ये सीटें उनके लिए जीतना बेहद महत्वपूर्ण था जितने भी चुनाव यहाँ पर हो रहे थे, क्योंकि जो सियासी घटनाक्रम 27 फरवरी के बाद हिमाचल प्रदेश में बना था वो अपने आप में एक इतिहास रच चुका है। और यही एक वजह है कि अब आंकड़े बदल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, और ये भी माना जा रहा था कि ये 3 चुनाव जो है ये पहले ही 6 उपचुनाव के साथ हो जाने चाहिए थे, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो पाए। लेकिन अब उपचुनाव हो रहा है और इसमें कांग्रेस को बढ़त जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, इन आंकड़ों पर भी आपसे पूरी अपडेट हम विकास लेते रहेंगे। फिलहाल